कुंभ राशि 30 और 31 मार्च के दिन रिश्ते नाते टूट जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको मार्च महीने के आखिरी दो दिन यानी कि 30 और 31 मार्च के दिन की बात करने वाले हैं। इन दो दिनों में आपके रिश्ते नाते टूट सकते हैं, तो उसी के बारे में यह वीडियो होने वाला है। साथ ही इसमें आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, कौन से बातों का ध्यान रखना है, आपका धनराशिफल, लव राशिफल, करियर राशिफल और आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, सभी बातें विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति लगातार बदलती रहती है, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। ज्योतिष के जानकारों का ऐसा भी कहना है कि यदि किसी व्यक्ति की राशि में ग्रह नक्षत्रों की चाल ठीक है तो इसकी वजह से जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं, परंतु ग्रहों की चाल ठीक न होने के कारण जीवन में एक के बाद एक कई परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है और यह निरंतर चलता रहता है, इसको रोक पाना संभव नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका कुंभ राशिफल कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा, वहां पर कॉल करेगा अथवा व्हाट्सएप मैसेज करेगा, हमारी तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपका कुंभ राशि भविष्य कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों आप पैसों से संबंधित कोई भी जोखिम नहीं लें तो यह आपके लिए अच्छा होगा। घर में मौल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए कोई नया तरीका आप अपना सकते हैं। पिछले कुछ समय में यदि किसी से कोई अनबन हुई है तो उसे सुलझाने का आप प्रयास भी कर सकते हैं और इस काम के लिए समय अभी सकारात्मक चल रहा है, आपको सफलता मिल सकती है। उलझे हुए मामलों को सामने आने का मौका दें, जब वह सामने आएंगे तभी उनका हल निकलेगा। कोई नई बात सीखने का अवसर आपको मिल सकता है। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में कोई जरूरी कागजी काम आप निपटा सकते हैं। मन में तरह तरह के विचार आएंगे, उनमें से कुछ विचार सकारात्मक और अच्छे भी होंगे, जिनसे आप खुद में एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। घर में मरम्मत से संबंधित कार्यों में कुछ धन खर्च हो सकता है। अपने विरोधियों से आपको सावधान रहना होगा। आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। कोई व्यक्तिगत असफलता आपके तनाव का कारण बन सकती है। जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं उनका पता लगाएं और उनका प्रबंधन करें। दोस्तों अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दिन भर आप अधिक व्यस्त रहेंगे। काम धंधे के प्रति आप जो भी योजनाएं बनाएंगे सभी में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार और कार्यक्षेत्र में भी आपको फायदा होगा। मस्तिष्क में कई प्रकार की योजनाएं बनेगी, उसका फायदा आपको भविष्य में मिलेगा। मन में आने वाले कुछ विचार आपके मन में संदेह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इन विचारों का संबंध पुरानी बातों से हो सकता है। थोड़ी बहुत अपने मन की भी आपको सुननी चाहिए। आपसे मिलने वाले लोग आपको कुछ नई बातें सिखा सकते हैं। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। पैसों का कोई मामला उलझ भी सकता है, लेकिन यदि आप अपनी सूझबूझ से निर्णय लेंगे तो वह आसानी से हल भी हो जाएगा। कोई भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिसका समाधान आपको तुरंत मिल सकता है। ऑफिस और कार्यक्षेत्र में जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, आप उनसे दूर भागने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। दोस्तों दिन आपके लिए सामान्य रहेंगे। काफी समय से आप जिन मुद्दों पर बातचीत से बचते आ रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर जीवन साथी से बातचीत हो सकती है। आप अपने जीवन साथी को किसी बात का या गलती की सफाई देने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपना पक्ष शांत और धैर्य से रखना होगा। कुछ समस्याएं हैं आपके सामने आ सकती है, जिनका आपको समाधान करना पड़ सकता है।
कम बोलने में आपकी भलाई है। कम बोलने और अधिक सुनने की आदत आपको डालनी चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में कोई अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। आपका मन लोगों के लिए बहुत अधिक उदार रहेगा। प्रेम के लिहाज से अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की ओर ध्यान जरूर दें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से आपके रिश्ते नाते जो कि टूट सकते हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये जो दिन है, इन दिनों में आप अपने रिश्तों में कुछ दूरियां होते हुए देख सकते हैं। जो भी आपके संबंध है, चाहे रिश्तेदार हो या फिर प्रेम जीवन में हो या फिर जो भी आपके मैत्रीपूर्ण जीवन है, उसमें आप थोड़ी दूरियां देख सकते हैं। उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होता हुआ भी आप देखेंगे। कुछ ऐसी बातें रह सकते हैं जिसको समझना बेहद मुश्किल होता है और कुछ गलतफहमी की वजह से भी आपके रिश्ते टूट सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप उत्साह से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना ले। अच्छे अनुभव पाने के लिए किसी भी काम को अधूरा ना छोड़े। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिमाग को स्थिर रखें। व्यापार संबंधी बैठक या टाइप आपके लिए सहायक हो सकते हैं। रोज की दिनचर्या आपको बोर कर रही है, इसलिए कुछ समय निकालकर अपनी पसंद के कार्य करें। अपने कार्यस्थल पर आपको हमेशा की तरह ही प्रशंसा मिलेगी और तरक्की की भी संभावना बन रही है। करियर राशिफल की बात करें तो आपको विदेश से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर भी मिल सकता है। ये यात्रा छोटी ही हो सकती है, लेकिन आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। आप इसकी तैयारी में लग जाएं और अपने बिजनेस कार्ड साथ जरूर ले आए। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो कानूनी समझौते या टाइप आपको जीवन जीने का नए अवसर प्रदान करेंगे। आपके करीबी मित्र आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं, जिसके कारण रोमांटिक संबंधों में नई उत्तेजना का योग है। परिवार में संघर्ष या धन की हानि आपको संकट में डाल सकती है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों, आपके लिए अच्छा होगा कि आप कोई वाहन ना चलाएं, खासकर अगर आप ऊपर से खुले हुए वाहन चलाते हैं। कार में बैठते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करेगा और अगर दो पहिया चलाते हैं तो पूरे दिन हेलमेट का प्रयोग अवश्य करेगा। साथ ही आंखों की परेशानी है तो आप चश्मा या फिर गॉगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आंखों को परेशानी ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की शुरू में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस चैनल पर आपको इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, जिससे आने वाले दिनों के बारे में आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो आज की शुरू में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।